हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्कोप चैनल। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे फाइबर नेट के बारे में। जब हम इंटरनेट स्पीड के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर डाउनलोड स्पीड के बारे में बात करते हैं। अधिकांश लोग तेज़ डाउनलोड चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं, इस तरह हम कंटेंट को स्ट्रीम करते रहें और मूवी डाउनलोड करते हैं। तो चलिए बताते हैं इस फाइबर नेट की शुरुआत कब से हुई थी। इस फाइबर नेट की स्थापना 2000 में सुंदर राजू ने बैंगलोर में की थी। इस बीम टेलीकॉम की स्थापना 2004 में ब्रजेश चंदवानी ने की थी और ब्रांड नेम फाइबर के तहत हैदराबाद में ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश की। चलिए मैं आपको बता दें कि इसकी सर्विस कहां कहां पे है। इसकी सर्विस अभी भारत के 15 राज्यों में अपनी सर्विस दे रही है, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, राजस्थान जैसे शहर शामिल हैं। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता दूँ। आप लोग जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सिटी के हिसाब से डिफरेंट प्राइस होते हैं, डिफरेंट ऑफ़र निकाले जाते हैं। इसमें आपको रेजिडेंशियल और बिजनेस दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आप ब्रॉडबैंड प्लान में यहाँ पे लखनऊ का ऑफर शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड ऑफर शो हो रहा है। इसी में आपका बिल भी पे कर सकते हैं, आपको बाहर से बिल पे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आपको इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करा देता हूँ, वो है इंटरनेट स्पीड की। आप खुद देख लीजिए इसमें इस इंटरनेट स्पीड कितनी की स्पीड आती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा।